हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन निशु टिप्स। आज के वीडियो में आप लोगों के साथ एक नेल पेंट का रिव्यू शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले ये नेल पेंट देख लीजिए, मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये है बेला वोस्टे का है, ठीक है। और ये जो है ये न्यूड शेड है, और इससे पहले मैं इसका जेल और ग्लिटर शेड का मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरे पास जो है ये 64 पार्टी पॉप और 65 एक्सटर्नल डैश है। सबसे पहले इसका डिटेल देख लीजिए, उसके बाद ये लगाने के बाद कैसा रहता है वो देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट कैसा लगा, इसमें से मेरा फेवरेट कौन है, ये सारी बातें करते हैं। बट फ्रेंड्स, उससे पहले अगर तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वेट मत कीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेरे फेसबुक पेज निशु टिप्स को लाइक कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिए। अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन दोनों प्रोडक्ट का डिटेल देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है बेला वोस्टे का प्रीमियम नेल इनमेल है, और इसकी जो नेट क्वांटिटी है 9 ml की है। फ्रंट पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, और इसके कैप के ऊपर इसका नंबर और नेम मेंशन कर रखा है, जिसमें इसमें मैंने 64 पार्टी पॉप मंगा रखा और 65 इटर्नल डैश मंगा रखा है। और इसके बैक में इसकी थोड़ी डिटेल दे रखी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो नेल पेंट है इस पे लिख रखा है 10 टॉक्सिक फ्री नेल इनमेल, और इस पे लिख रखा है 9 फ्री नेल इनमेल, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, और ज़्यादा बहुत कुछ इसके ऊपर डिटेल नहीं दे रखा है, और इसे 36 मंथ तक आप यूज़ कर सकते हैं। इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट्स, इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट इसके बैक में दे रखा है, और इसकी जो MRP 99 rupees का है, और इसे आप purple.com से परचेस कर सकते हैं, वहाँ पे ये इजिली आपको अवेलेबल है, वहाँ आपको मिल जाएगा। मैं अब इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। मैं सबसे पहले 65 इटर्नल डैश को मैं ओपन कर रही हूँ। एंड फ्रेंड्स, अगर इसके ट्रैवल फ्रेंडली होने की बात करती है, पूरी तरह से ट्रैवल फ्रेंडली है, और ये देखिए ये इसका एप्लीकेटर है, कुछ इस तरह का है, काफ़ी अच्छा एप्लीकेटर है। इसके हेल्प से आप बहुत अच्छे तरीके से अपना नेल पेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं इसे ओपन करती हूँ, ये है 64 पार्टी पॉप, और इसे मैं ओपन कर देती हूँ। ये देखिए ये कुछ इस तरह का है, और अगर बात करें एप्लीकेटर का, तो इसका एप्लीकेटर जो है उस वाले से थोड़ा मोटा है, अब मैं इसे अपने नेल पे अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा कलर देता है, ठीक है। चलिए अब मैं इसे अपने नेल पे अप्लाई कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं 64 पार्टी पॉप को अपने नेल पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इसका कभी भी आप डबल कोट लगाइएगा, सिंगल कोट में ये उतना अच्छा कलर नहीं देता है, ठीक है। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तब आप इसके ऊपर फिर से डबल कोट कर दीजिएगा, तो इसका जो कलर है बहुत अच्छा आ जाता है, जैसा कि आप इसका देखोगे इसके पीक में बिल्कुल वैसा कलर ये आपको दे देता है। बट हमेशा याद रखिएगा, आपको डबल कोट लगाना है। एंड फ्रेंड्स, अब मैं इसे ओपन कर रही हूँ, ये है 65 इटर्नल डैश। अब मैं इसे अपने नेल पे अप्लाई करती हूँ, ठीक है। इसे भी आपको डबल कोट ही लगाना है, सिंगल कोट में ये कलर नहीं देगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। ये क्या आपको, मतलब आप मोस्टली कोई सा भी नेल पेंट लगाइए तो उसे आप कम से कम डबल कोट लगाइए, ताकि उसका जो कलर एक्चुअल कलर है वो आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये सिंगल कोट में कुछ इस तरह से आपको कलर दे रहा है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर डबल कोट करने वाली हूँ। ये देखिए, ये डबल कोट लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का कलर आपको देगा। सो फ्रेंड्स, आपने इस प्रोडक्ट का डिटेल देख लिया, और नेल पे लगाने के बाद इसका कैसा कलर आता है वो आपने देख लिया, और अब बात करते हैं कि मुझे ये नेल पेंट कैसा लगा। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मुझे ये नेल पेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, और इसमें मेरे फेवरेट की बात करूं तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये कुछ टाइम तक आपके हाथों पर टिकता है, और आप देख सकते हो मैंने इसे ऑलरेडी लगा रखा है, तो ये दोनों कलर जो है आपके हाथों पर देखिए थोड़ा टिका हुआ है, बट ये वाला जो शेड है ये पूरी तरह से फेड हो गया है, बहुत ही गंदा लग रहा है।
तो और अगर स्टे होने की बात करूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 दिन आपके हाथों पे ठीक ठाक रहता है, बट ये 3 दिन से पहले ही ये फेड होना स्टार्ट हो जाता है, ये वाला थोड़े दिन तक आपके हाथों पे टिकता है। इसे आपको 2 से 3 टाइम्स अपने नेल्स पे अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको जिसका एक्चुअल कलर है वो आपको मिलता है। ये इसका तो 2 टाइम्स में ही इसका एक्चुअल कलर आपको मिल जाता है, बट ये वाला जो है इसको आपको मिनिमम 3 से 4 टाइम अपने हाथों पर लगाना पड़ता है, तब जाके इसका जो एक्चुअल कलर है वो आपको मिलता है। बट ये बहुत जल्दी फेड होना स्टार्ट हो जाता है और आपके हाथों से बहुत गंदे तरीके से ये निकल जाता है। तो अगर मैं बात करूँ तो मुझे इन दोनों में कौन अच्छा लगा, तो बेशी बात है मुझे ये अच्छा लगा, ये उतना अच्छा नहीं लगा, बट कलर की बात करूँ तो कलर ये बहुत ही प्यारा, दोनों ही कलर बहुत ही प्यारा कलर है। सो फ्रेंड्स, बात करूँ इसके ट्रैवल फ्रेंडली होने की, तो पूरी तरह से ट्रैवल फ्रेंडली है। इसे अपने बैग में पर्स में रख के आप कैरी कर सकते हैं, एंड ये कांच की बॉटल है तो थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।